नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, स्पिरुलिना उत्पादक किसान, राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नोहर से। स्पिरुलिना खेती के बारे में जानकारी हेतु रुचि रखने वाले सभी भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी का हमारे स्पिरुलिना फार्म में हृदय से स्वागत है। अगर आप स्पिरुलिना कृषि आधारित व्यापार शुरू करने का कोई प्लान बना रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो देखते रहें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से स्पिरुलिना खेती के हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं उनसे स्पिरुलिना खेती का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए पिछले 8 साल से राजस्थान की धरती पर हम सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती करते हैं। हमारे चैनल पर समय समय पर स्पिरुलिना खेती की जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है पिछले 8 साल में, वो अनुभव हम वीडियो के माध्यम से जरूरतमंद सभी के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप इस खेती के बारे में जानकारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखते रहिए। स्पिरुलिना खेती की सही जानकारी हेतु आप जुड़े रहिए। जो हमने इसमें देखा है, पिछले 8 साल में सीखा है, उसी के बारे में हम आपके साथ साझा करते हैं। सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपका कोई भी विचार हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो या हमें व्हाट्सएप करो, तो हम आपके सवाल का, अगर हमारे पास उत्तर है तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं वह परमात्मा से आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि पिछले 8 साल से स्पिरुलिना खेती से सीखकर आकलन किया है कि धरातल पर मेहनत करके 100 मीटर एरिया में 20 किलो महीने की अच्छी गुणवत्ता वाली स्पिरुलिना उत्पादन करके महीने के 50,000 रुपए तक का आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में 100 मीटर एरिया के स्पिरुलिना उत्पादन प्लांट के कुल खर्चे के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत हमने की थी, बताया था। वीडियो ज्यादा लंबा होते हुए देख वहीं पे उसको रोक दिया गया था और अगला उसका उस वीडियो का बचा हुआ भाग जो है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। 20 किलो स्पिरुलिना महीने में पैदा करने के लिए उत्पादन लागत कितनी आती है और किस तरह से बेचने पर 50,000 रुपए महीने की हम एक आर्थिक बचत निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें, समझें और कोई भी आपका विचार, बहुमूल्य विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप 20x50 फीट के प्लांट की हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 20 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा प्लांट, लगभग 22,000 से 24,000 लीटर की उसमें कल्चर की क्षमता होती है। 22 से 24,000 लीटर आपका स्पिरुलिना का कल्चर उसमें चलेगा, जिसमें उत्पादन लेने के लिए महीने का लगभग 6,000 रुपए के पोषक तत्व और 500 रुपए की बिजली खर्चा आती है। मैं आज सारी चीजें लिख के लेके आया हूं ताकि बीच में कोई चीज भूले ना और मैं आपको विस्तार पूर्वक सारा बता दूं। कुल मिलाकर 6,500 या बहुत अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना तैयार करते हैं तो आपका 9 से 10 हजार का खर्च करके अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना आप उगा के तैयार कर सकते हैं। 20x50 फुट के प्लांट में आप 20 किलो उत्पादन महीने का लगभग निकालते हैं और उस पर अगर 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं तो बहुत अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना आएगी, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व समय समय पर दें, ऑर्गेनिक में दें, नेचुरल में दें, उसकी देखभाल अच्छी करें। संभालने वाले का महीने में सिर्फ 4 दिन यानी 32 घंटे का मुख्य कार्य होता है, जो उसको वो अगर पार्ट टाइम में अगर करें तो वो ये समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने व्यापार और नौकरी के साथ साथ इसको पार्ट टाइम इसको प्रबंधन जो है प्लांट का अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सुबह सुबह अगर संभाल लिया, 9 बजे ड्यूटी जाना है उससे पहले उसको संभाल लिया, शाम को आने के बाद में संभाल लिया, दिन में उसको हिलाने के लिए थोड़ा ऑटोमेटिक टाइमर वगैरह लगा के टर्बाइन लगा दिया, तो उससे क्या है कि वो दिन में अपने आप समय समय पर चलता रहेगा, बिजली की और व्यवस्था होनी चाहिए आपकी उसमें।
इस तरह से उत्पादन खर्च लगभग ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक आता है। 20 किलो उत्पादन का किसी भी नजदीकी गोलियां बनाने वाली कंपनी से आप किराए पर गोलियां बनवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार रुपए में आपको अच्छी स्पिरुलिना गोली बनाकर दे देगी। बहुत सारे आसपास में मिल जाएंगे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और जो गोलियां बनाते हैं जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त है गोलियां बनाने की, उनसे आप बातचीत करके उनसे बनवा सकते हैं। अपने अच्छी क्वालिटी का माल है, पूरी जांच करा के आप दीजिए, वो आपको किराए पे बना देगी कंपनियां, किराए पे बनवा के आप। और इसका लगभग 8-10 हजार रुपए में आपको गोली बनाकर दे देंगे अब के समय के भाव के और हिसाब से। और 20 किलो स्पिरुलिना की लगभग 38 हजार गोली बन जाएगी, कुछ उसमें निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके लगभग 38 हजार गोली 500 mg की पर गोली के हिसाब से बन जाएगी। और उसको आप अच्छी डिब्बी में पैकिंग कराकर तैयार कराएंगे तो 38 हजार जो गोली बनेगी वो 60 टेबलेट की अगर डिब्बी में आप पैकिंग करवाएंगे तो लगभग 630 डिब्बी बन जाती है इसकी, 630 डब्बी बन जाती है। और 15 रुपए अगर आप डब्बी का खर्च करेंगे जिसमें उसमें आपका नाम लिखना है, आपने डब्बी लेनी है अच्छी गुणवत्ता की, और भी उसमें सील सील वगैरह का खर्चा है, ये सब उसमें नमी वगैरह ना आए उसके लिए वो सिलिका जेल या रुई वगैरह जो डालते हैं उन सब का खर्च करके लगभग 15 रुपए में आपकी एक डिब्बी तैयार हो जाती है, यानी लगभग 9,500 रुपये ये खर्च हो गया। 630 डब्बी तैयार होने तक का कुल खर्च 31,000 रुपये आपका हो जाता है, जिसमें उत्पादन लागत भी आ जाती है और गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उसके साथ साथ वो पैकिंग होके भी तैयार हो जाती है गोली बनके। तो एक डिब्बी लगभग 48 रुपए की लागत से तैयार होती है, एक डिब्बी 48 रुपए की लागत से अगर तैयार होती है और मार्केट में अच्छी गुणवत्ता वाली स्पिरुलिना 60 गोली की जो डिब्बी है वो कम से कम 200 रुपए और ऊपर में 400 रुपए तक की कंपनियों की बिकती है, लोग ले रहे हैं खा रहे हैं। अगर आप कम से कम मूल्य में लोगों को खाने के लिए बेचते हैं तो 630 डब्बी गुना 200 रुपए के हिसाब से अगर बात करें तो 1,26,000 रुपए में बिकती है, 1,26,000 रुपए में आपकी वो 630 डब्बी बाजार में बिकती है, लोग उसको ग्राहक लेते हैं और खर्च आया 30,000, इसलिए बचत राशि जो आई 96,000। 1,26,000 में से 30,000 खर्चा आप निकाल लो अलग, इसकी लागत निकाल लो, 96,000 रुपये आपका इसमें बचत आई। अब 96,000 की बचत यानी 630 डिब्बी बेचने के लिए आप अकेले मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप नए आदमी है इतनी मेहनत नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में सीखना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों के फायदा होगा, तब आपको आपसे हो सकता है इतना प्रचार प्रसार ना हो। उसके लिए आपने प्रचार प्रसार के लिए दो क्षेत्रीय कोई बेरोजगार लड़के जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनसे बात करके उनको थोड़ा इसके बारे में सिखा के और जहां जहां से जानकारी प्राप्त करके और आप उसको प्रचार करने के लिए रोजगार दे सकते हैं, रोजगार देंगे और उसको 20,000 रुपये महीना रोजगार का देते हैं तो वो शायद अच्छी मेहनत और लगन से आपकी स्पिरुलिना के बारे में अच्छे से बताएंगे जिससे लोग आपका स्पिरुलिना गोली खरीदेंगे और खाएंगे और आपका स्पिरुलिना बिकेगा। इस प्रकार 96,000 में 40,000 रुपये आपने दो लोगों को तनख्वाह के रूप में दे दिए, रोजगार के रूप में, वो आपका काम करेंगे कि लोगों को बताने का काम करेंगे सुबह से शाम तक। जब लोगों को पता चलेगा इसके फायदे के बारे में तो लोग इसका लाभ अवश्य लेते हैं। जिसमें 40,000 रुपये उनको दे दिया आपने दो लोगों को तनख्वाह के रूप में और 1,000 रुपये मेंटेनेंस में खर्चा हो गया इसके मैनेज करने में, यह समझ लो कि जिसके बाद लगभग 55,000 शुद्ध आर्थिक लाभ आपको महीने में हुआ। इस प्रकार से हम स्पिरुलिना को उगाकर उसको प्रोसेस करवाकर अगर प्रयास करते हैं तो आपका स्पिरुलिना व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि ग्राहक के 200 रुपये महीना खर्च आएगा सामान्य मात्रा में स्पिरुलिना खाने का, तो 200 रुपये कोई ज्यादा नहीं है और 200 रुपये महीना अच्छे स्वास्थ्य हेतु हर वर्ग का व्यक्ति वहन कर सकता है। इसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं जिसमें कोई खून की कमी है, कोई उसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, उसमें एनर्जी कम है, वो मेहनत करता है, थकान आती है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद सुपर फूड है स्पिरुलिना और वो जरूर खाएगा। आपको आर्थिक लाभ हुआ, दो लोगों को रोजगार मिला,
और ग्राहक को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक अच्छा सुपर फूड मिला। सबको फायदा ही फायदा है, सभी के लाभ का व्यापार है स्पिरुलिना कृषि आधारित व्यापार। लेकिन इसको सही तरीके से करना जरूरी है, इसका मैनेजमेंट सही करना जरूरी है, इसका क्वालिटी अच्छी बनाए रखना जरूरी है, इसका इस पे ध्यान देना जरूरी है। और हमारा ये बिजनेस स्पिरुलिना बिजनेस जो है, इसका जो बेचने का या करने का जो तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी तरह से स्पिरुलिना कृषि आधारित व्यापार करके एक अच्छा रोजगार विकसित कर सकते हैं और आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा एक सब और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु आप एक सुपर फूड पैदा करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आसपास के बेरोजगार युवाओं को एक नए रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। आपके बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आप अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पिरुलिना उगाकर अपने नाम से बेचने के लिए किस किस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता होती है सरकार से लेने की। सरकार से जो हमें अगर परमिशन इजाजत लेनी है तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन से लाइसेंस इसमें लागू होते हैं, उसके बारे में भी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।